पहुंचते गल सब तो पहला सारे ही मीडिया के सत्कारित साडे पत्रकार साथियों का आम आदमी पार्टी के स्टेट हैडक्वाटर से मैं थोड़ा सारे का स्वागत करता तुहानू जी आया। मेरे नाल इस प्रेस मिलनी च साडे स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सन्नी आलूवालिया साहब और एक होर साडे स्पोक्सपर्सन रविंदर जी जिहड़े आ वह मेरे नाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रहणगे। अज पंजाब दी कांग्रेस कमेटी ने अपना नवा राजा अनाउंस किया और मैं पर्टिकुलर शब्द राजा वरत रहा है। महलां वाले राजे नूं हटा के कोठियां वाले राजे नूं सीएम बनाया ते उस तो बाद भी कांग्रेस की गड्डी जदों नहीं चली ते अज एक होर राजे नूं जिहड़ा है पंजाब कांग्रेस कमेटी का प्रधान कांग्रेस के सीनियर लीडर जेड़े कि राजनीतिक तौर पर देश च फलाप साबित हो गया राहुल गांधी जी ने अज पंजाब कांग्रेस नूं नवा प्रधान दिता है। राजा वड़िंग जी ने अपने संबोधन च 3D का जिक्र किया है। अज पहले संबोधन च पीपीसी दे नव नियुक्त प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी ने एक फार्मूला जिहड़ा कांग्रेस के वर्करां नूं दस्या है कि 3D दे हिसाब नाल कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम च चलूगी लेकिन 1D उहदे चो मिस कर गई। कांग्रेस का डिवाइडिंग हाउस जिहड़ा वो डी मिस कर गई। हिंदुस्तान की सब तो पुरानी पार्टी जिन्हें कई साल तक इस देश के और देश के वक् वक् सूबों च राज कीता अज आलमोस्ट पतन दे कगार ते है और जेड़े नवे प्रधान नूं उन्होंने अज थापिया है जिस तरीके नाल उन्हां दियां भी कारगुजारियां रहियां है चाहे बतौर MLA चाहे बतौर मिनिस्टर ते या आने वाले टाइम च एज ए कांग्रेस प्रधान पंजाब नूं कोई सकारात्मक दिशा जिहड़ी है कांग्रेस तो उम्मीद नहीं है। अज मैं वेख रहा सी ताजपोशी के दौरान जिस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने एक विज्ञान बगानिया वाला एक कांग्रेस चो बगावत वाले तेवर अपनाए अज पहले दिन ही हालांकि हालात ग्राउंड रियलिटी ते आ भी कुछ एक लीडर ते प्रताप सिंह बाजवा जी दे नाल तुरे फिरते हैं कुछ एक लीडर नवजोत सिंह सिद्धू साहब दे धड़े नाल है खैरा साहब नाल ते लै दे के एक ही लीडर सी वो लीडर भी नवजोत सिंह सिद्धू पिछले दिनों अपने नाल लै गए। और जिस तरीके नाल अज ताजपोशी तो बाद कांग्रेस के वर्करां च निराशा फैली है उस तो एज ए रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी हालांकि साडा इस सारे विषय नाल कोई लेना देना नहीं डायरेक्ट रूप च लेकिन आम आदमी पार्टी और मान साहब की सरकार भी यह समझती है कि पंजाब च एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल करने वाली पार्टी होनी चाहिए। अफसोस नाल मैनू कहना पै रहा है
कि कांग्रेस का डिवाइड हाउस राजा विड़िंग जी की लीडरशिप नू चुके हुए अड अड लीडर वालों सवाल और सब तो जरूरी तुसी नोट करोगे सारे मेरे पत्रकार साथियों अंदर राजा विड़िंग जी सहुं चुक समागम यानी कि ताजपोशी च भाषण कर रहे सी, बार नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे सी कि पांच साल जिस माफिया ने जड़ा सत्ता रूढ़ माफिया ने पंजाब नू लुटिया ओही माफिया अंदर स्टेज ते राजा विड़िंग जी नाल स्टेज सांझी कर रहा है। राजा विड़िंग ताजपोशी करवा रहे आते सिद्धू साहब का कांग्रेस भवन के अंदर ही यह कहना दूजे कमरे चो कि जिन्होंने पंजाब नू लुटिया और राजा विड़िंग जी की पहली कतार हालांकि उन्होंने मैंशन भी किया अपने भाषण च कि पहली और दूजी कतार की लीडरशिप का मैनू सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस तो स्पष्ट है पंजाब के लोगों नू भी कांग्रेस का जड़ा अपना घर है वो डिवाइड हाउस है कलेश का घर है। सानू भी अजे रूलिंग पार्टी इस तो निराशा जरूर हुई है। हालांकि असी राजा विड़िंग नू बतौर पीपीसी प्रधान शुभकामनावां भी दिने हैं। जिस तरीके नाल बाजवा साहब के तेवर बार अड दिखे आ जिस तरीके नाल जाखड़ साहब की गैर मौजूदगी उत्थे रही है और जिस तरीके नाल सब तो वध जिन्हां ते दोष लगे सी टिकटां वेचण दे और कांग्रेस के साबका प्रधान शमशेर सिंह दूलो साहब ने जिन्हां ते लाए सी वह हरीश चौधरी भी स्टेज पर मौजूद सी। सो यह कांग्रेस का जिहड़ा तमाशा है इहदा अज ही भोग जिहड़ा अज पै गया। लेकिन फिर भी एक पोलिटिकल अपोनेंट के नाते रूलिंग पार्टी जिहड़ी पंजाब नू मान साहब की अगवाई च एक शानदार गवर्नेंस देण च लगातार दिन रात मेहनत कर रही है उन्हां वल्लों राजा विड़िंग जी नू बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने मान साहब की तारीफ कल्या ने नहीं कीते उत्थे यूथ कांग्रेस के कई लीडर ने जी भी अज मान साहब तो सेध लैण वास्ते कांग्रेस नू अगाह कीता। सो ये मान साहब और आम आदमी पार्टी की सरकार की जिहड़ी कारगुजारी है जिहड़ी साडी कमिटमेंट है जिहड़ा साडा करैक्टर है जो साडी अकाउंटेबिलिटी है ये तो उहदा परचे है उहदा सबूत है। हजे ते जिहड़े मान साहब की सरकार ने बहुत सारे मील के पत्थर जिहड़े आ पंजाब पंजाब को मौजूदा हालात च एक भी बूंद पानी का है नहीं जेड़ा असी किसे दूसरे सूबे नू दे सकीए जां शेयर कर सकीए। पंजाब दा हजारा एकड़ रकबा हर साल सुके दी मार्च है। लेकिन जेड़ी कांग्रेस ने एक कंडे बीजे आ पंजाब दे भविख नू लैके जिस कांग्रेस ने नहरा पुट के दित्तियां सी जिस कांग्रेस दे साबका मुख्यमंत्रियां ने सुप्रीम कोर्ट तक हलफनामे दिते सी अज उन्हां दी असलियत भी पिछले कल च एलओपी साहब ने गुमराह करन दी कोशिश कीती है पंजाब दे लोकां नू किसानां दे इस मसले नू लैके
किसानां ते जिहड़े परचे कीते गए सी उहनां दे आर्डर पिछली सरकार करके गई आ। मान साहब की सरकार ने उस सारियां गिरफ्तारियां ते रोक लाती आ। सो मैं बेनती करूंगा विरोधी धरां दे लीडरां नूं सच्चाई नाल कंस्ट्रक्टिव मुद्दियां ते क्रिटिसाइज करो, असीं जवाब दे। एक गल बड़ी स्पष्ट करदा इस इशू ते, साडी पंजाब दे लोकां नाल एक कमिटमेंट है। जिस तरीके नाल पिछले सालां च पुलिस का दुरुपयोग हुंदा रहा, पुलिस का दुरुपयोग दे नाल नाल इनोसेंट लोकां ते परचे दर्ज हुंदे रहे, उस रिवायत नूं उस रीत नूं मान साहब की सरकार खत्म करूगी। ईवन कांग्रेस और अकालियां दे टाइम भी जिहड़े इनोसेंट लोकां ते परचे होए आ उहनां नूं भी असीं खत्म करन जा रहे हैं। लेकिन जिहड़े ये गुमराहकुन स्टेटमेंट है, जिस तरीके नाल अलका लांबा नूं लैके, जिस तरीके नाल कुमार विश्वास नूं लैके कांग्रेस इन्नी एक्टिव होई आ, मैं इन्हां नूं बेनती करना चाहूंगा कि गुजरात च कांग्रेस दे जिहड़े मवानी साहब हैं कांग्रेस लीडर, जिस तरीके नाल असाम दी पुलिस ने उन्हां नूं अरेस्ट कीता आ, पंजाब कांग्रेस असाम च भी जाके धरना लाऊगी। इस करके एवें खाम खां दे आरोप नहीं लाने चाहिए। असी पंजाब पुलिस की वर्किंग च किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करते, कोई साड़ी दखलंदाजी नहीं। पंजाब पुलिस फेयर जिहड़ी आ बिना किसी दबाव तो अपनी जिहड़ी इनकुआरी और कार्रवाई कर रही है। असी इस रिवायत नूं जिहड़ी पुरानी चलदी आ रही उहनूं खत्म कीता। कल साहब हर FIR है जिहड़ी 24 घंटे बाद ऑनलाइन हो जांदी है, पर वो FIR 12 अप्रैल दी दर्ज कीती गई, हाले तक उस FIR नूं ऑनलाइन नहीं कीता गया, जदों कि पंजाब दीआं तमाम FIR है जिहड़ियां ऑनलाइन हो चुकियां ने। पर इहदे नाल इक ऐड ऑन कर दिंदे जी, जिहड़ा कोर्ट दा हुणे आर्डर वी आया नवीन जिंदल वाला ते दूजी दिल्ली गांधी वाला, उहदे विच वी कि 7 दिन दा नोटिस देना है। वर्किंग है जो उन्हां दी कारवाई उहदे च इंटरफेरेंस नहीं करदे, इह ते माणयोग कोर्ट ने देखना है, मानयोग कोर्ट अदालतां ने देखना या पुलिस का जिहड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर है उन्हें देखना है। भी FIR अगर नहीं दिती जा रही तो मैनूं लगदा उन्हां दे वकील नूं कंसर्न पुलिस स्टेशन च संपर्क करना चाहिए। लेकिन जिथों तक सरकारी दखलअंदाजी की गल है इहनूं असीं सिरे तों इनकार। फॉर्मेशन तो पहला साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री मान साहब ने लाइव होके कहता सी कि कोई भी MLA कोई भी पार्टी का लीडर कोई SHO तो लैके SSP लवाउण तक साडे को ना आवे। यह सीधा सीधा संदेश सी कि पुलिस का राजनीतिकरण जिहड़ा पिछले सालों च हुंदा रहा, पुलिस का दुरुपयोग हुंदा रहा, और ते आम आदमी पार्टी उस रिवायत नूं अग्गे नहीं चलाऊगी और इस नूं बंद करो। मोगा तहसीलदारों ने भी एक मोर्चा खोला है राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा के खिलाफ, और उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और कल शिकायत भी दी थी DC कल उन्होंने देखो मीडिया के सामने कहा। देखो डे टू डे बेस जेडे अफेयर्स इस तरह के आते हैं उन्होंने मानयोग मान साहब की सरकार के ध्यान च है, उन्होंने लैके जो भी जो कार्रवाई बनती होगी या एग्जैक्ट पोजिशन की है जो भी असल च गल है वो सरकार रखूगी। पर मैनू लगता नहीं है कि बहुत वड्डी तवज्जो देने वाला इशू आ, लेकिन अगर कोई भी FG कोई इंसीडेंट अगर होया तो यह सरकार के ध्यान च है, सरकार उत्ते कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर जारी। धन्यवाद। ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ,
नहीं साडा ही मनना है कि अपोजिशन च और खासकर डेमोक्रेसी च एक अपोजिशन का बहुत वड्डा रोल है। हैल्दी डेमोक्रेसी च कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए थी, पर बदकिस्मती नाल वैसे तो कांग्रेस पूरी तरह नकारी जा चुकी है पंजाब के लोगों वालों, लेकिन जिनी भी बची भी आदि भी जी जिस तरह का कलेष है काटो कलेष है उन्होंने कोई बहुत ज्यादा पंजाब के लोगों तो उन्होंने उम्मीदा नहीं है और वैसे भी पंजाब के लोगों के मनो यह पार्टी हूँ उतर चुकी। नहीं देखो असी मैं एवं कह कल की होना कितना होना, पर अज के जेडे हालात है मान साहब की सरकार जवाबदेही पारदर्शिता नाल पंजाब दे आम सधारण लोगों नाल आम सधारण लोगों के हित वास्ते लगातार चंगे फैसले लै रही है। सुभाविक तौर पर बहुत सारे लोग आने वाले टाइम च इहदी तारीफ करते रहेंगे, हुण भी कर रहे गां भी कर रहे। थैंक यू। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा पंजाबी साडियां बावां एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून।